पहली चीज तो इनका स्टार्टिंग टॉर्क है वो अच्छा होता है, दूसरी बात स्वतः स्टार्ट होती है, तीसरी बात दक्षता अच्छी होती है, चौथी बात इनमें मेंटेनेंस को खर्चो बिल्कुल जीरो है। अगर बेरा में यार मोटर पटक दी तो पटक दी, 5-10 साल चेड़वा की जरूरत ही कोने बोले। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का सिद्धांत क्या है पहले तो ये पढ़ते हैं। हाँ, अब पहलो क्वेश्चन तो उठे उठे अगर इन्हें इंडक्शन क्यों किया अगर एक कोई क्वेश्चन आ जाए अगर। हाँ, तो इंडक्शन क्यों किया अगर, क्योंकि जी आप डीसी मोटर पढ़िया, सिंगल फेज मोटर चलो आप पढ़िया हो ने बीम आप का पढ़िया क्या भाई आर्मेचर और फील्ड दोनों में काय करिया अगर आप सप्लाई दिया अगर आर्मेचर फील्ड में। लेकिन इंडक्शन मोटर में कहीं क्या करा है, थ्री फेज मोटर रहेगी उसमें तीन तो स्टेटर रहेंगे और तीनों कितने डिग्री पर रखेंगे 120 डिग्री, और अंदर क्या रखेंगे रोटर। तो स्टेटर पर तो थ्री फेज की वाइंडिंग होगी और अंदर रोटर बनाओ। अब देखो चिन्हों का अंतर है, सिद्धांत कहीं है यदि किसी घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र में, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का सिद्धांत क्या है, किसी घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट चालक को रखा जाए, कौन से चालक को, शॉर्ट सर्किट चालक को रखा जाए तो वह चालक घूमने की कोशिश करता है। आएगो सिद्धांत, सिद्धांत है भाई यदि किसी घूमते हुए, घूमते हुआ को मतलब आएगो कहाँ हुई अगर घूमता हो चुंबकीय क्षेत्र, थ्री फेज की फील्ड हुई अगर, ठीक है साहब। यदि किसी घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र में अपन शॉर्ट सर्किट कंडक्टर को रखे तो वो कंडक्टर घूमने की कोशिश करता है। अब क्वेश्चन वो उठेगा इंडक्शन ही क्यों कह दूसरों नाम क्यों नहीं दियो, तो ई मोटर में कहीं आ गया केवल स्टेटर में ही सप्लाई दिया गया, रोटर में सप्लाई को नहीं दिया गया। स्टेटर ने क्यों जोड़िया गया, तो आपने कत्ती मोटर में बेराड़े लेवा भी में तीन तार रहे, कत्ती लेवा जी में छह तार रहे है, तो बस छह तीन को कहीं कारण है। यदि मोटर को अंदर ही अपन कनेक्ट करते अल्टरनेटर में आप का पढ़िया क्या भाई, यदि स्टार में है तो कत्ती चाहिए अपन स्लिप रिंग चार चाहिए, क्योंकि बिगा रोटर में आप सप्लाई ले रोटर कहीं घूमया करे। थ्री फेज मोटर में कोई कह दिया कि भाई ये मोटर में तो आप स्लिप रिंग लगावा ही कोनी, कारण का ही है क्योंकि आप स्टेटर में देवा सप्लाई और स्टेटर घूमे को नहीं, स्थिर वाला चीज में तो आप तार जोड़ की सप्लाई दे सका भाई, घूमता हुआ हूँ लेवा जर आप भाई घूमता हुआ हूँ किसा में डी सी में लेवा जर को लेवा कार्बन ब्रूस को लेवा ये मकान को लेवा कम्यूटेटर को लगावा भी की जगह स्लिप रिंग लगा दे, और स्लिप रिंग कहाँ की बनी उड़ी रहे फास्फोरस ब्रोंज की। तो इंडक्शन क्यों कहते हैं कि वो एक ट्रांसफार्मर वाला नियम पर काम आ जाए। ट्रांसफार्मर में कहीं आप पढ़िया कि यदि दो कोयल को पास पास में रखकर एक कोयल में यदि विद्युत धारा प्रवाहित करे तो दूसरी में अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। लेकिन वो सवाल उठागा अपन डीसी मोटर में तो आर्मेचर में देवा फिर भी मैं दे भाई कहीं जरूरत है, तो ट्रांसफार्मर व्याग्रह वो किसी सप्लाई पर काम करे केवल एसी पर ही करे, इस कारण अपन डीसी मोटर ने यह नहीं बना सका। तो इसमें सप्लाई कहाँ देते हैं स्टेटर में, यदि अंदर ही कनेक्ट कर दिया है डेल्टा में, कौन से में डेल्टा में यदि अपन जोड़ दें भाई तीन कोयल है तीनों ने यदि डेल्टा में जोड़ दे वहाँ जरूर तो अपन कत्ता तार की जरूरत पड़ी तीन की, स्टार में आप जोड़ा को नहीं। यदि अपन मैं तो कह दूं भाई मेरे को अंदर जोड़ने की जरूरत नहीं है, मेरे जब आवश्यकता होगी तब मैं जोड़ लूंगा, डेल्टा में जोड़ पाओ थोड़ा नुकसान रही अगर इस कारण आप कहें करें अगर अंग छऊ तारा नहीं 12 काट लिया अगर बच आपने इच्छा होगी स्टार में जोड़ना तो स्टार में जोड़ दो, डेल्टा में जोड़ना तो डेल्टा में। तो इंडक्शन को तो आ गया क्योंकि केवल इसके स्टेटर को ही अपन सप्लाई देते हैं, रोटर में अपने आप ही जैसे इसका प्लक्स पैदा होगा वो किसको काटेगा रोटर के चालकों को काटेगा, रोटर के चालकों में द्वारा क्या होगी शॉर्ट सर्किट रहते हैं, चालक है वो क्या रहते हैं शॉर्ट सर्किट रहते हैं। अब आपको कोई चीज़ ना कहूँगा शॉर्ट सर्किट हो जाए भी मैं द्वारा कहीं क्या करें एकदम ही तेज चालिया करें, ये कारण रोटर कहीं क्या करें घूमबा लाग जाए। लेकिन जी सप्लाई दे दे मैं जी थोड़ी घूमबा लाग जाए, रोटर ना कुछ तो टाइम लागे भाई वो फ्लक्स पैदा करी पचो फ्लक्स ना काट ही पची मैं धारा बे जर जा रो घूमे तो एक साथ तो दोनों चालिया गुन करे। तो एक क्वेश्चन वो आ जाए अगर क्या स्टेटर की जो गति हुई अगर बिना तो आपका क्या करा सिंक्रोनस गति का क्या करा सा सिंक्रोनस गति, और जो रोटर जो गति पर घूमे बिना आप क्या करा रोटर गति।
तो यदि मैं इन कैदियों का मैं जी सप्लाई में दे दी, देते ही सिंक्रोनस भाई चुंबकीय क्षेत्र को जो फ्लक्स है वो तो घूम लाग जाए और कथा पर घूमे बा कहाँ पर निर्भर करेगा। आप एन को एक सूत्र बढ़िया एन बराबर एफ इंटू 120 बटावा कत्ता पोल की मोटर है का भाई फ्रिक्वेंसी 50 रहेगी इंटू 120 का भाई चार पोल की मोटर है तो कितने पे घूमेगी 1500 आरपीएम पर घूमेगी। लेकिन अब घूमे बाद में घूमे रोटर तो हमेशा एक क्वेश्चन तो ये आता है कि सिंक्रोनस गति ज़्यादा होती है कि रोटर गति ज़्यादा होती है। तो हमेशा याद रखना है भाई सिंक्रोनस गति का ना क्या स्टेटर की गति ने क्या तो स्टेटर तो सप्लाई लगाते ही घूम पाला या रोटर बाद में घूमे तो हमेशा सिंक्रोनस गति ज़्यादा होती है रोटर गति कम होती है। अब दूसरा सवाल वो उठा है कि यदि आ दोनों गतियाँ ना बराबर कर दें आप यदि सिंक्रोनस गति और रोटर गति दोनों ना बराबर कर दें तो कहीं हुई तो यदि हम दोनों बराबर कर दें तो मोटर कहीं होया करे एक जगह भूं भूं कराया करे ना कई बार घूमे को नहीं भूं भूं करती रहे तो भाई एक कारण कराया करे मोटर है जगह इंटरलॉक हो जाया करे कहीं जाया करे इंटरलॉक भी के लिए अपन काय करना पड़े मोटर ना थोड़ी बंद करो क्वेश्चन भी आ जाएगा इंटरलॉक हो जाती है तो मोटर अपन क्या करेंगे तो मोटर ना बंद करो और थोड़ा रोटर ना हाथ घुमा दो थोड़ा घुमाते पर चलाओ फिर मोटर चल जाए। अब अपन क्वेश्चन आ हुआ है कि रोटर गति याद करवा के लिए सूत्र काय हुए आप है भाई रोटर गति यदि अपन याद करना है तो इसके लिए अपन एक चीज और आया करे बिना के अगर आप स्लिप काय क्रिया करा सा स्लिप स्लिप को सूत्र या करे सिंक्रोनस गति जिन आप प्रदर्शित कराया करा एन एस यू माइनस रोटर गति बटेवा सिंक्रोनस गति इंटू एन आर का ने किया करा रोटर गति ना सिंक्रोनस गति आप का ने किया करा। यदि अपन कोई क्वेश्चन में स्लिप को क्वेश्चन पूछा है स्लिप को पहले तो परिभाषा करना क्या तो रोटर गति और सिंक्रोनस गति के बीच का जो अंतर रहता है उसको अपन कहते हैं स्लिप। अब आ चीज़ ध्यान रखना कतिक बार स्लिप तो सिंपल पूछ ले और कतिक बार परसेंटेज में पूछ ले यदि परसेंटेज में पूछ ले तो 100 लगाना है नहीं पूछे तो जी आप तीन पेज इंडक्शन मोटर के चार पोल हैं फ्रिक्वेंसी है जो 50 साइकिल है तो पहले तो मोटर की सिंक्रोनस गति ज्ञात करनी है और रोटर की गति जब 4% स्लिप 4% है स्लिप गति है साहब तो अपना रोटर फ्रिक्वेंसी ज्ञात करना है। तो भैया पहले सिंक्रोनस गति ज्ञात करा सिंक्रोनस गति को तो सूत्र क्यों एफ इंटू 120 बटावा पी तो 50 इंटू 120 बटावा पोल है 4 तो कितनी आएगी साहब आपने 1500। अब उस आपन सूत्र कहीं है प्रतिशत स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस इंटू 100 तो अपन भैया स्लिप कितने परसेंटेज है 4 है एन एस आपने कितनी आएगी साहब माइनस एन आर बटेवा 1500 इंटू 100। अब यदि अपन कहते हैं भाई 1500 माइनस एन आर इंटू 100 अटीन कताएंगे सर 4 इंटू 1500 अब आने दोनों ने गुणा करा 1500 ने 100 गुणा करा सर कताए सर आपने 4-0 आ जाए माइनस 100 एन आर इंटू 1560 आओगी सा। अब आगे देखो संख्या संख्या ने एक चढ़ ले ले वहाँ जरा 15-40 माइनस 6 का अपाचक तल आ गया 3-0
प्लस की नटिन की नाव माइनस क्यों जाए, नटिन की नाव जरा प्लस क्यों जाए, तो इन इमु घटावा जर कता है सा तीन तो जीरो का जीरो आ जाए। अब दस मु छ गया जर कता बचा सा पाँच मु चार बच गया, एक को एक रह गयो और अटिन आ गया सो एन आर। अब एन आर ना कार्ड जर चौदह चार ट्रिपल जीरो बटेवा सो दो जीरो गया जर कता बच गया सा आधो गति आएगी रोटर गति आएगी। अब आप रोटर फ्रिक्वेंसी को सूत्र का पढ़िया बार एफ आर बराबर स्लिप इनटू सप्लाई फ्रिक्वेंसी आए पढ़िया। तो स्लिप अपने टका में दियोड़ी है, प्रतिशत में दियोड़ी है, जबकि अपना स्लिप ये लेना है तो चार में कता को भाग दे ले वहाँ पॉइंट जीरो चार इंटू सप्लाई फ्रिक्वेंसी कती है सा पचास, पचास चौका सो कती संख्या बाद में है दो सौ गए हाँ तो दो सौ कता परसेंट आएगी सा सप्लाई फ्रिक्वेंसी। ठीक है तीन सूत्र याद रखना, एक तो स्लिप को एक रोटर फ्रिक्वेंसी को। अब तीसरो क्वेश्चन एक वो भी आ जाए करा कि जर मोटर ने स्टार्ट करा तब रोटर फ्रिक्वेंसी कितनी होती है। तो जर मोटर ने स्टार्ट करा करा जर जो रोटर फ्रिक्वेंसी है बस सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बराबर होया करा। ठीक है सा रोटर गति अलग आएगी क्योंकि रोटर बाद में चालू हुआ है, सिंक्रोनस गति अलग आएगी, आ वाली चीज तक तो आएगी समझवा। अब कह करा कि मोटर अलग अलग प्रकार की हुआ और अलग अलग प्रकार हुआ को कारण कहीं हो गयों कि मोटर में अपना हर जगह अलग तरह की आवश्यकता हुआ करे। सबनो बड़ो चांस वही है कटे कटे एक क्वेश्चन वो भी आया करे कि एक 15 HP की मोटर है कता की ऐसा तो वह मोटर की करंट कितनी होगी। यदि ऐसी मोटर को सवाल यान को आ जावे भी मैं काय गुंदे केवल तो 15 HP की मोटर है कितनी करंट लेगी तो अपने वो एक आंकड़ा याद रखना है 1.5 वो जो जितनी भी HP है उसको 1.5 से गुणा करना है। जैसे 15 को 1.5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाए भाई 15 और 7 तो मोटर कितना करंट लेगी। हाँ अब मोटर को अलग अलग प्रकार क्यों पड़े हो क्योंकि जो मोटर में टॉर्क याद रहे टॉर्क की आवश्यकता रहे जी। आप भी डीसी मोटर में पढ़िया डीसी मोटर में कहीं पढ़िया भाई टॉर्क या करे वो कहाँ पर निर्भर करे अगर एक तो आर्मेचर की धारा पर और एक फील्ड का फ्लक्स पर निर्भर करे। सबली मोटर हो या करे बम तो समानुपाती हुआ लेकिन एक सीरीज मोटर हो या करे बीम का ही आग्रह टॉर्क आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। उसी तरीके से थ्री फेज जो मोटर होती है उनमें टॉर्क दो प्रकार का होता है, एक तो स्टार्टिंग टॉर्क होता है और एक रनिंग टॉर्क होता है। स्टार्टिंग जो टॉर्क होता है वो तो कहता है भाई रोटर का रेजिस्टेंस कहाँ को रोटर को रेजिस्टेंस जत्तो ज़्यादा राखो बत्तो ही मैं बढ़ू। और जो रनिंग टॉर्क याग रहा है वो कहें कि याग रहा है कि मैं रोटर रेजिस्टेंस के युद्ध कर मान पाती हूँ, मतलब जत्तो कम राखा जत्तो मत आना ज़्यादा हो, मतलब पहले तो कम राख ज़्यादा राखो और पच कम राखो तो बाप मोटर में आपको कोई हाथ गाल तो बंद कर कौन से कहाँ कब भाई तू कम हो जा रहा है कब ज़्यादा हो जा। इस कारण आप तीन प्रकार की मोटर आपने बन गई। नंबर एक आया करें स्कूल के इंडक्शन मोटर जिसको हिंदी में कहते हैं गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर, गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर इंग्लिश में नाम लिखा रहेगा स्कूरल केज इंडक्शन INDUCTOR मोटर। ठीक है सर इम काहे क्रिया करे स्टेटर तो सबली मोटर में समान हुई थ्री पेज को रही तीनों को ले 120 पर रही। रोटर में काहे क्रिया करा तांबा की छड़ा लिया करा
रोटर जो रिया करा बिम काय करा करा तांबा की छड़ा लिया करा और रोटर के अंदर डाल दिया करा। अब देखो ये में इंसुलेटेड इंसुलेटेड करवा की जरूरत ही कौन रिया करा आपने, क्यों? क्योंकि अपन ने सबले कोयला ने काय करना है, शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो पहली बात तो रोटर को क्वेश्चन पूछ ले, इस कोल केज मोटर में काई चीज डालिया करा तो तांबा की छड़ा डालिया करा। अब तांबा को ये मोटर में काई तकलीफ आ करा है, जो स्टार्टिंग टॉर्क है तांबा को प्रतिरोध काई में कम हुआ है, तो पहली बात तो इसमें स्टार्टिंग टॉर्क हुआ वो कम मिल रहा है, ठीक है, और रनिंग जो टॉर्क हुआ करा वो खासा तौर पर बढ़िया मिल रहा, लेकिन बत्तो भी बढ़िया नहीं मिल रहा जितना कि अपन जरूरत रहे। तो ये मोटर में दोनों ही टॉर्क है, वह अपन जितना चाहे बत्ता कौन मिल पा, अंतर काई को नहीं है। गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो रोटर होता है उसकी बनावट गिलहरी के पिंजरे की तरह होती है, इस कारण से इसको अपन कहते हैं गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर। आगे समझ में आई काई अंतर को नहीं है, क्वेश्चन आया है तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क है वो कम होता है लेकिन रनिंग टॉर्क कुछ हद तक अच्छा होता है। अब आपने दूसरी मोटर आया करे दोहरा गिलहरी पिंजरा मोटर, दोहरा गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर मतलब डबल डबल स्क्वल केज इंडक्शन मोटर। इनमें काई करा करा आप को जो रोटर है अभी मैं दो प्रकार की वाइंडिंग डाला, एक तो अधिक प्रतिरोध वाला डाला और एक कम प्रतिरोध वाला डाला। अब क्वेश्चन वो आया करा अधिक प्रतिरोध वाले ने कटा डाला कम प्रतिरोध वाले ने कटा डाला, तो अपन ने जरूरत किसा की है? पहली किस रेजिस्टेंस चाहे अपन अधिक प्रतिरोध चाहे, तो एक ही वाइंडिंग दो प्रकार की करा करा, एक तो कम प्रतिरोध वाले ने तो करा करा गहराई में, और जो अधिक प्रतिरोध रहे बिना करा करा ऊपर लछड़ा। ये मोटर स्टार्ट हुई जर काय करी ऊपर लछड़ा फ्लक्स घुसी तो ऊपरली वाइंडिंग में संपर्क में आई, जर बिना अधिक रेजिस्टेंस मिल जाए जर स्टार्टिंग टॉर्क अच्छो मिल जाए, लेकिन जी मोटर स्टार्ट हो जाए बिका थोड़ी देर बाद में अपन कहीं जाए रनिंग टॉर्क की आवश्यकता। अब निचली वाइंडिंग में भी फ्लक्स पुग जाए तो करंट के लिए कितना रास्ता पैदा हो जाए, दो रास्ता पैदा हो जाए। अब करंट हमेशा कहीं क्रिया करे जी परिपथ को कम प्रतिरोध रिया करे बिम चाल वो पसंद क्रिया करे, तो भाई दो रास्ता मिल गया तो अपने आप ही ज़्यादा प्रतिरोध वाली में तो करंट जावे को नहीं है, और जो कम प्रतिरोध वाली है बीमा करंट गुजरबल आ जाए जर कहीं जाए अपना रनिंग टॉर्क भी अच्छो मिल जाए। तो डबल गैरेलेरी पिंजरा प्रेरण मोटर होती है उसके रोटर में दो प्रकार की वाइंडिंग करते हैं, कम प्रतिरोध वाली और अधिक प्रतिरोध वाली। अधिक प्रतिरोध वाली को ऊपर डालते हैं और कम प्रतिरोध वाली को नीचे डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि अपने स्टार्टिंग टॉर्क शुरुआत में अच्छा चाहिए, इसलिए ऊपर वाली वाइंडिंग के संपर्क में आएगा और इसका प्रतिरोध अधिक रहेगा तो स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा मिल जाएगा। फिर उसके बाद फ्लक्स नीचे भी पहुंच जाएगा, उस समय करंट के लिए दो रास्ते उत्पन्न हो जाएंगे और करंट हमेशा कम प्रतिरोध वाले में चलना पसंद करेगी, इस कारण से नीचे वाली वाइंडिंग में करंट चलेगी, ठीक है सर। एक बाद में आया करें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, जिन्हें हिंदी में किया करा सर्पिल वल्य प्रेरण मोटर। दिमक आयु आकर फिर थोड़ा दिन बाद में वैज्ञानिकों को दिमाग चालियो कि भाई क्यों ना अपन जितो प्रतिरोध चाहे बत्तो आप इमा पैदा कर लिया। तो ये मोटर में स्टेटर तो जो रहवा जो को रहवा ही है और एक का रोटर में भी वाइंडिंग कर दिया करा, एकमात्र इंडक्शन मोटर है जिसका रोटर भी वाउंड अपन करते हैं, और वाउंड करने के बाद में क्या करते हैं इसकी जो शाफ्ट होती है उस पर तीन स्लिप रिंग लगा देते हैं तीनों फेजू के लिए। कत्ती स्लिप रिंग लगावा सा तीन वाइंडिंग कर सब लेना और बिगा तीन सर्किट बना और तीनों स्लिप रिंग के साथ जोड़ दे। अब भाई शुरुआत में मोटर को कौन सा स्टार्टिंग टॉर्क के लिए का रोटर रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, तो अपन क्या करते हैं यहां पर तीन प्रतिरोधों को स्टार कनेक्शन में कनेक्ट करके इन तीनों स्लिप रिंग के साथ जोड़ देते हैं। सप्लाई तो अपने को यहां से देनी नहीं, अपन सप्लाई किस में देंगे? स्टेटर में देंगे। जब मोटर स्टार्ट होगी तो एच काम जुड़ गया, तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ गया, ठीक है सा।
और श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं। मान लो अपन कहता है दौड़ दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में मैं जोड़ा हूँ, जर प्रतिरोध कितो जाए चार मतलब बढ़ जाए, तो अपन प्रतिरोध बढ़ाना ही तो स्टार्टिंग में तो कहीं जाए तीनों को स्टार में कनेक्ट रखते हैं और प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इस कारण से अपने को रोटर रेजिस्टेंस है वो अच्छा मिल जाएगा। उसके बाद जैसे मोटर स्टार्ट हो जाएगी तो इनको तीनों को अपन क्या करेंगे एक जगह शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने पर क्या होगा आप पंडियो डांग शॉर्ट हो जाए कोई तार जब प्रतिरोध को मान कितो हो जा कम हो जा, तो अपनों प्रतिरोध को मान कम हो गया तो अपन रनिंग टॉर्क है रनिंग टॉर्क वो अपन का ही मिल जाए बढ़िया मिल जाए। तो और तीनों मोटरों में फर्क हो जाकर ठीक है। स्कूल केज इंडक्शन मोटर में एक तांबे की वाइंडिंग करते हैं, डबल स्कूल केज होती है उसमें दो छिड़े डालते हैं एक कम प्रतिरोध वाली और अधिक प्रतिरोध वाली। स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर होती है उसका रोटर को सही वाउंड करके तीन स्लिपरिंग जोड़ देते हैं। जब मोटर स्टार्ट करते हैं तब तीनों रोटर रेजिस्टेंस स्टार में जुड़े हुए रहते हैं। जब मोटर स्टार्ट हो जाती है उसके बाद इन तीनों प्रतिरोधों को शॉर्ट कर देते हैं। ऐ तो होगी साहब ने इंडक्शन मोटर। ठीक है बाद लिख तो लिया ना इस बड़ा सूत्र पुत्र है। अब मैं बता दी हूँ स्लिप है, स्लिप करने क्या करें सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के अंतर को स्लिप कहते हैं। सूत्र पक्को याद रखना, सूत्र को भी क्वेश्चन अवेल हो एन एस माइनस एन आर एन एस इंटू सो। यदि प्रतिशत में पूछिए तो ही सो लगाना, यदि प्रतिशत में नहीं पूछे तो अपन ना सो को नहीं लगाना। दूसरी बात रोटर फ्रिक्वेंसी को आप सूत्र पढ़िया, रोटर फ्रिक्वेंसी को सूत्र का याद करें पहले तो सप्लाई के समय तो दोनों बराबर याद करें। दूसरी रोटर फ्रिक्वेंसी को सूत्र याद करें स्लिप स्लिप में वो भी दे दिया करें कितनी बार एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस इंटू सप्लाई फ्रिक्वेंसी। ठीक है सर। डीसी मोटर की भागों को किसने पूछा करा तो भाग किसा किसा हुआ है एसी मोटर में एक तो रोटर हुआ और एक स्टेटर हुआ है। स्टेटर कहाँ को बने उठा बॉडी पर लगे उठ रिया करा और बॉडी कहाँ की बने उठी रिया करा कास्ट आयरन की बने उठ रिया करा और रोटर हुआ करा वो लोहे को बने उठ रिया करा क्योंकि आप शॉर्ट सर्किट ही करा तो इनमें सिलिकॉन स्टील वालों अपन कुंचा करा। ठीक है सर। अब इसके बाद में आते स्टार्टर। मोटर को चलाने के लिए ऑन ऑफ करने के लिए और उनको सुरक्षित रखने के लिए अपन किस चीज़ का प्रयोग करते हैं स्टार्टर का। स्टार्टर होते हैं वो तीन चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक आता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। नंबर दो आता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। नंबर तीन आता है ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। नंबर चार आता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। कितने हो गए चार। अब देखो कतिक बार आप आए गया करा चक्की वगैरह ना आप चलाया करा ये थ्री पेस वाले में तो अपन ध्यान पड़े को नहीं पहले तो पड़ जाता जर नरा बेरा एक ही डिप्यू जुड़ेड़ा रहता जर तो पत्तो पड़ जाता लेकिन आए पड़े को नहीं। ये चक्की की मोटर ना आप चलाया करा जर बा कहीं आगरा चालू करते ही आस पड़ोस की जो भी लाइटर है बेकर की बा बंद कर दे। बंद क्यों हुआ क्योंकि जब मोटर ना आप स्टार्ट कराया करा इंडक्शन मोटर ना स्टार्ट कराया करा जब दोनों परिपथा में कोई संपर्क न हो स्टार्टर रोटर को आप बार पड़िया कोई संपर्क न हो यही कारण है ना आप किसी मोटर के वहाँ इंडक्शन मोटर के वहाँ भाई रोटर के तार जुड़ोड़ा कौन रहे और जे सप्लाई दे वहाँ चुंबकीय फ्लक्स के तार करना पड़े वो कैसा मस्त जुड़ोड़ो रहे रोटर है जो शॉर्ट रहे वह शॉर्ट में कहीं आगरा करंट ज़्यादा चलिया करा तो जे मोटर स्टार्ट कराया करा जब मोटर निर्धारित धारा की 6 से 7 गुना धारा लेती है ये बार आप पढ़िया कि भाई 15 HP की जो मोटर है बा कत्ती लिया गया 1.5 गुना ग्रेजर 22.5 एम्पियर
तो ये 22.5 का कत्ता गुना छऊ सात गुना ये मतलब जे मोटर ने स्टार्ट करना सुई एक बार करंट डालो बचीड़ में लागे जा क्यों मिले क्यों एक बार धारा अधिक लिया करे भी अधिक धारा ना बचबा के लिए आप कहीं करा करा स्टार्टर को प्रयोग करा करा। अब मान लो गाँव में तो हर घर अलग अलग है कि भाई उन्होंने बाणो चक्की को मोटर दाबी और मैं कह रहा भाई मारी लाइट बंद नहीं होना चाह तो वो मरी थोड़ी चक्की ना तो चलाना ही पड़ी अपन तो बी के लिए आप कहीं करा करा स्टार्टर को प्रयोग करा करा। दूसरी है कि भाई ऑन ऑफ करवा में भी लेबल आ गया। तीसरी भी ना डायरेक्ट हाँ बा बता दें बार कारण क्यों कौन ले बा भी बतावा का डायरेक्ट जो ऑनलाइन स्टार्टर है बीमा कहीं भी आकर वो केवल धारा पारा ना कहीं सुरक्षित को नहीं करा करे वो केवल मोटर ना ऑन कर दे और ऑफ कर दिया करे इसके अलावा कहीं को नहीं करा। एक क्वेश्चन बार चित्र बना वो तो पॉसिबल है वो नहीं। एक क्वेश्चन वो आया करे का जो स्टार्ट बटन हो आकर वो किस क्रम में लग गया करे स्टार्ट का बटन हो आकर पहले तो भी को रंग क्या को हुआ है हरे रंग को हुआ है और वो हमेशा ए लग्जरी कॉन्टेक्ट के समांतर क्रम में जुड़े उड़ो रही आकर और जो स्टॉप बटन हुआ करे वो किस क्रम में जुड़े उड़ो रहा है श्रेणी में जुड़े उड़ो रही। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है जो केवल धारा फारा करने का ही उनक्रिया करे और जी मोटर में तीन तार आया करे जी मोटर केबल में आप केवल बेराड़ केबल है भी में तीन ही तार लगे उड़ा है भी मोटर में पक्को एक सौ स्टार्टर रिया करे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर रिया करे क्योंकि इमें पहली मोटर ना डेल्टा में जोड़ देवे और मोटर ना चालू कर देवे। डेल्टा में क्यों जोड़ा आप मोटर ना कोई कहते भाई मैं तो स्टार में चलाऊँ डेल्टा में कौन चलो तो स्टार में आप पढ़िया स्टार में कहीं आकर है वी एल बराबर अनरूड थ्री वी पी एच हुआ पढ़िया आप और डेल्टा में कहीं भी आकर है वी एल बराबर वी पी एच हुआ है क्या बाबू मतलब लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बराबर है मोटर ना अपन कहीं देना है वोल्टेज बराबर देना है। तो यदि स्टार में मोटर ना जोड़ दे वहाँ जब फॉल्ट वोल्टेज कितना हो जाए अनरूड तीन कम हो जाए इस कारण आप मोटर ना स्टार में कौन जोड़िया करा किस क्रम में जोड़िया करा डेल्टा में ही जोड़िया करा। अब डेल्टा में जोड़ दें तीन तार आ जाए सीधा स्टार्टर में लग जाए खटको दबाए मोटर चालू होगी इमें कहीं आ करा तीन तो एन वी सी कोयल रिया करे किसी 9 वोल्ट कोयल और एक रिया करे ओ एल सी कोयल ठीक है साहब। हाँ अब स्टार डेल्टा स्टार्टर है स्टार्ट बटन ने समांतर क्रम में जुड़िया करे ए लग्जरी कॉन्टेक्ट का पंडिया ना आप पत्ती डीसी वाला में गई यहाँ एक पत्ती लाइब्रेरी रहे बिना किसी कॉन्टेक्ट का लग्जरी कॉन्टेक्ट का बी इम स्टार्टर में इमें भी ए लग्जरी कॉन्टेक्ट हुआ करे खोल कर दे देख के लो तो देख के लो तो क्या मान लो मोटर शॉर्ट सर्किट रहे तो शॉर्ट सर्किट ही रही हाँ तो वो तो शॉर्ट ही रही लेकिन कहीं जाए बाप भी खुद फ्लक्स पैदा करवा लाए जाए भाई रोटर जी चाल जाए बीमा बी की छणा में करंट चाले ज़्यादा करंट चाले तो ज़्यादा फ्लक्स पैदा करे बस जी फ्लक्स पैदा करी मेन फ्लक्स को विरोध करी और विरोध करते ही मोटर स्पीड में चालवा लाग जाए। स्टॉप बटन श्रेणी क्रम में लगे अगर ए लग्जरी कॉन्टेक्ट के हाँ अब स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों बनाया आप कटे कटे देखे वाला पहले हत्यूँ चलाता स्टार्ट ना पहले नीचा करता और पद ऊँचो करता देखे वो है वो किस स्टार्टर हो स्टार डेल्टा स्टार्टर इमें कहीं या करे क्या मोटर ना पहले जब स्टार्ट करा हाँ जरा अपना कन छह तार आवे भाई मोटर का कितना तार आवे छह तार आयोड़ा है मतलब इमें किस स्टार्टर है स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब आप कनेक्शन ने ये प्रकार करा कि मोटर ने जब स्टार्ट करा जब तो वह जुड़ जावे स्टार में। अब स्टार में क्यों जोड़ा क्योंकि वी एल अनरूड थ्री वी पी एच यदि कोई मशीन ना आप वोल्टेज ही कम दे वहाँ फिर बा करंट अपने आप ही कम ले भाई कोई कहता है कि भाई आप 2 एम्पियर करंट ले रही है तो बिना वोल्टेज कम दे वहाँ जरूर उन्ती की कम ले घूम ही तो कम लेकिन करंट भी कहीं हो जाए कम हो जाए और अपन स्टार्टिंग करंट ना कहीं करना है कम करवा की खातिर तो स्टार्टर ना लगाओ कि भाई स्टार्ट में मोटर छः सात गुना करंट नहीं ले एक दो गुना ले तो चल जाए लेकिन छः सात गुना बा नहीं ले कारण
पहले किस में जोड़ते हैं, स्टार में, स्टार में जोड़ते हैं अंडर रूट तीन, लाइन वोल्टेज कम हो गए, इस कारण से मोटर को कम वोल्टेज मिले तो धारा भी कम लेगी। और जैसे ही मोटर अपने रनिंग अवस्था में आई, रनिंग अवस्था में आप कहीं बिटिया के 1.5 ही रहे, चाहे भाई स्टार में जुड़ोड़ी रहो भले डेल्टा, तो आप कहें कर मोटर ना ये स्टार्ट हो जाए कुछ सेकंड बाद में डेल्टा में जोड़ दे, उंडी रहे भी माँ कम ज़्यादा टाइम लागे, जी हमने बोरिंग वाली मशीन अब ला गया है जी मैं कह रहे हो स्टार्टर को खटको दबाया थोड़ी देर चले और खटीट की पाची आवाज़ आवे भी मैं एक टाइमिंग रिले दिया कर किसी रहे टाइमिंग रिले भी मैं सिस्टम फीड कर दे भाई 5 सेकेंड के 10 सेकेंड उंडो बेरो वेजर कत्ती कर दे 10 और ज़्यादा उंडो है तो 15 कर दे कब मोटर शुरू में जना चाले जड़ तो कहीं करी स्टार में चाली लेकिन वह टाइमिंग रिले हैंडल लड़ा में तो आप कहीं करता हैंडल ना पाचो नीचो करता जी डेल्टा बन तो इम कहीं हुआ टाइमिंग रिले रहे कोई ना दबाबा गरबा की जरूरत ही कोई नहीं टाइम पर नहीं दबाओ तो मोटर बल जा जी कोई लपड़ो रहे तो अपने आप ही वह मोटर कहीं जाए डेल्टा में जुड़ जाए अगर ई कारण ये ट्रांसफार्मर ने किया अगर ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्ट तो 3 स्टार्ट हो गया अपने स्टार्ट डेल्टा ऑटोमेटिक इम अभी कहीं रिया करे 3 OLC कुंडल रिया करे सॉरी NVC कुंडल दिया कर 3 और 1 OLC कुंडल स्टार्टर ओपे का सबला स्टार्टर में समान हुआ कर इम तो स्टार्ट करवा के लिए हैंडल ले स्टार्ट डेल्टा में और स्टॉप बटन में वो एक लग्जरी कॉन्टेक्ट का श्रेणी क्रम ऑटोमेटिक हुआ कर इम स्टार्ट बटन है वो तो समांतर क्रम में ए लग्जरी कॉन्टेक्ट का और स्टॉप बटन है वो श्रेणी क्रम अब आवा अपनों चौथो लास्ट ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्ट। अब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हुई आकर है आपने तो कहा उन्हें बेरा में तो 10 HP की ले लिया ज़्यादा में ज़्यादा 15 की ले लिया 15 में ज़्यादा तो 22 की ले लिया क्यों ज़्यादा मोटर की तो कह ले लेकिन जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं बम तो कत्ता 500 HP 1000 HP की मोटर चल है एक कारण बटा तो वोल्टेज ना बेजे ही कम करना पड़ा है स्टार डेल्टा में तो कहें अंडर रूट 3 कम हो जा 1.732% कम हो जाए ज़्यादा में ज़्यादा हुआ तो भाई 100 है तो ज़्यादा में ज़्यादा 90 हो जाएगा कम लेकिन वह मोटर तो 90 में भी बहुत ज़्यादा करंट ले क्यों 150 HP की अभी नॉर्मल करंट ही 500 HP वाले की कत्ती हो जाए 750 करंट हुई यदि और ही ज़्यादा ले तो बेजे ही ज़्यादा हो जाए तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर आप काल पढ़िया ऑटो ट्रांसफार्मर हुआ अगर भी कहीं आप मन मुताबिक वोल्टेज ले सका मन चाहे तो मैं 50 ही ले सकूँ मन चाहे तो 10 ही ले सकूँ मन चाहे तो 250 भी ले सकूँ मन चाहे तो 400 भी ले सकूँ हमारी मन मुताबिक वोल्टेज ले सके। अब ट्रांसफार्मर तो जी मेन जो ट्रांसफार्मर ही अगर अभी मैं तो फील्ड रहे कि भाई बिना 440 220 को बना दियो तो वो 220 ही काट न तो 221 काट है न 219 काट है ये कारण ऑटो ट्रांसफार्मर ही ले कि मन मुताबिक अपन वोल्टेज मिल जाए सब चीज़ें समान रहे इनमें केवल एक 3 पेज को है तो 3 ऑटो ट्रांसफार्मर रहेगी सिंगल को है तो केवल 1 ऑटो ट्रांसफार्मर लाए बन सेटिंग केवल 1 स्विचू कर दिया करें जे मोटर ने आप स्टार्ट करा 50 दे दो 100 दे दो जितना आपने आवश्यकता अनुसार वोल्टेज दे दो और बस धीरे धीरे कहीं करो कुछ सेकेंड में जे मोटर पूर्ण लोड पर आ जाए बिना पूरा वोल्टेज जितना 250 चाहे जितना आप दे दे 400 चाहे तो 400 दे दे 300 चाहे तो 300 दे दे वो कहीं भी आकर ऑटो ट्रांसफार्मर है एक उपयोग कटे करा जो अधिक मान की मोटरें होती है उसमें ड्यूअल स्टार्टर का प्रयोग काम पर लेते हैं जहाँ 5 HP से या 5 HP से कम जो मोटरें होती है उनमें अपन कौन सा स्टार्टर लेते हैं ड्यूअल लेते हैं 15 HP 5 ले और 15 HP तक लिया करें स्टार डेल्टा या ऑटोमोटिक स्टार डेल्टा 20 लगभग जो ज़्यादा मोटर है यहाँ भी मैं आपको किसे लिया करा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर लिया करा ठीक है साहब है हो गया अपना स्टार्टर स्टार्टर में ज़्यादा क्वेश्चन काहे को नहीं वालों नो बटन को पूछ सके हम ज़्यादा को नहीं बा उंदी चाल वाला आ जाए तो अपन सुंदी क्या करे बिना है कैसा तारण करे किन्हीं 2 पेजों को आपस में चेंज कर कर उनकी घूमने की दिशा वो अपन बदल सकते हैं
अब देखो बत्ती तो जी आप डीसी मोटर पढ़िया का आप डीसी मोटर की आसान नहीं गति परिवर्तन कर सका। शंट मोटर पढ़िया तो भी मैं पढ़िया भाई फ्लक्स बदल लिया भाई। डीसी मोटर में गति काम दो चीज़ों पर निर्भर करे, एक तो बेग ईएमएफ का तो समानुपाती होती और फ्लक्स का युद्ध कर्मानुपाती होती। लेकिन ऐसी जो मोटर है आकर में बत्ती तो आप नहीं बदल सका लेकिन कुछ हद तक आप बदल सका। पहले आया करें रोटर रेजिस्टेंस का मान बदल कर। तो रोटर रेजिस्टेंस रहे वो आप स्कूल केज डबल स्कूल केज में तो आप बदल कौन सका, किसी में बदल सका केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में बदल सका। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में भी क्या बदल सका, कभी कभी रोटर की जो स्लिप रिंग है वह 12 लगी उड़ी रहे तो आप यदि प्रतिरोध जोड़ भी सका हटा भी सका तो प्रतिरोध हटाकर तो कुछ गति परिवर्तन की जा सकती है। अपने मन मुताबिक जितनी गति चाहिए उतनी अपन नहीं बदल सकते हैं और रोटर रेजिस्टेंस को केवल गति ना कम ही कर सका ज्यादा कौन नहीं कर सका। और किसी मोटर में लिया करा केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में इसका प्रयोग लेते हैं कौन सी का रोटर रेजिस्टेंस विधि का। अब आती है पोलों की संख्या बदलकर। आप एक सूत्र पढ़िया एन बराबर एफ इंटू 120 बटे वा पी। मान लो अपन फ्रिक्वेंसी बराबर है और कहते हैं एक मोटर तो चार पोलों की है जरबी का कितना आरपीएम हो जाए 1500। एक कहते हो भाई मोटर आठ पोलों की है तो आरपीएम कितना हो जाए 60। तो आरपीएम फर्क पड़ गया पोलों की संख्या बदल पाऊँ। इस विधि का उपयोग स्क्वल केज और डबल स्क्वल केज मोटर में करते हैं और उसमें क्या करते हैं एक्स्ट्रा पोल लगा देते हैं। यह मोटर अपन चार पोल की चावे आपको काय कर दे आठ पोल भी पर पहले विस्थापित कर दे। यदि थोड़ी ज़्यादा बढ़ानी है तो छः कर दे जब थोड़ी गति बोल बढ़ा पाऊँ कहीं हुई गति कम हुई तो कम हो जाए और यदि चार का दो कर दे तो गति बढ़ जाए। लेकिन ये विधि को नुकसान हुआ है कहीं में फिक्स ही गति मिल रहा है आ कोनी कहते 1499 चाहे तो 1499 ला सको बा कोनी है जितना पोल लगाया बना परिवर्तित कर। दूसरी बात ज़्यादा पोल लगावा तो मोटर की बॉडी ज़्यादा मोटी बनानी पड़ी ये कारण का ही हुई मोटर महंगी ज़्यादा हो जाए जगह भी ज़्यादा गहरी एक कारण ये विधि को बहुत कम काम करे। अगर करे किसी मोटर में केवल स्कूल केज में और डबल स्कूल केज में दो ही मोटरों में अपन उपयोग में लेते हैं। अब आती है नंबर तीन कैस्केड विधि। कैस्केड विधि का उपयोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में करते हैं और कैसे करते हैं। इस विधि में दो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटरों का प्रयोग लिया जाता है और क्या जोड़िया करा आप पहली मोटर होगी ये तीन स्लिप रिंग होगी और दूसरी मोटर होगी और एक ये तीन स्लिप रिंग होगी। पहली मोटर के स्टेटर को तो अपन क्या करते हैं सप्लाई देते हैं और दूसरी मोटर के रोटर रेजिस्टेंस को दूसरी मोटर के स्टेटर के साथ जोड़ देते हैं और दूसरी मोटर का जो रोटर रेजिस्टेंस होता है उसको किसी प्रतिरोध के माध्यम से शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है साहब कैस्केड विधि में कितनी मोटर चाहिए जी दो और किसी मोटर में क्या करें स्लिप रिंग में पहली मोटर के स्टेटर को सप्लाई देते हैं उसका रोटर दूसरी मोटर के स्टेटर से जोड़ देते हैं और दूसरी मोटर का जो रोटर रहता है उसको रेजिस्टेंस के माध्यम से जोड़ देते हैं। इसमें यदि गति अपने को ज्ञात करनी है तो एफ इंटू 120 बटेवा पहली मोटर के पोल प्लस दूसरी मोटर के पोल ये वाला इसमें सूत्र लगता है कौन सी में कैस्केड नियंत्रण। इनमें भी केवल दो ही प्रकार की आप गति बदल सकते क्या तो एक मोटर रेजरबा हो जाए दो और दो जोड़ दें चार चर का जाए गति कम हो जाए।
अब तीसरी आया, चौथी आया करे फ्रिक्वेंसी बदल। तो फ्रिक्वेंसी आप यहाँ तो बदल कौन से का है, कोई साधन जी फ्रिक्वेंसी बदल से का। फ्रिक्वेंसी एक ऐसी मात्रा है जिसको अपन बदल नहीं सकते हैं। बदल सकते हैं तो जहाँ से विद्युत पैदा हो रही है वहाँ से ही बदल सकते हैं। कैसे का अल्टरनेटर कर अगर विद्युत पैदा अल्टरनेटर ही कराए, और अल्टरनेटर में यदि अपन फ्रिक्वेंसी बदलनी है तो दो चीज़ें बदल कर सका, एक तो एन और एक पी। यदि अल्टरनेटर की स्पीड को अपन कम ज़्यादा कर दें तो फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी, यदि पोलों को कम ज़्यादा कर दें तो फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा हो जाएगी। जैसे एक 1500 RPM पर चार पोल का अल्टरनेटर घूम रहा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, जैसे अपन ज्ञात करते हैं तो कितनी होगी साहब 50 साइकिल होगी। यदि मैं इसी को ही कह दूँ भाई स्पीड को 1000 RPM कर दूँ और पोलों की संख्या चार ही है तो उस स्थिति में क्या हो जाएगी 33.33 साइकिल कम होगी सा। यदि इस स्थिति में यदि मन कहते हैं 1500 RPM है और मैं पोलों की संख्या को 2 कर देता हूँ तो भी कम हो जाएगी। कितनी होगी सा 25 साइकिल। तो फ्रिक्वेंसी बदल कर, लेकिन इस विधि सभी मोटर में ये विधि को प्रयोग कर सका, लेकिन ये विधि को नुकसान हुआ कहीं के लिए अपन अलग अल्टरनेटर लेना पड़े भाई पूरा पावर हाउस की, तो फ्रिक्वेंसी बदल कौन से को। यदि जी मोटर की बदलना है तो बिना काय करना पड़े अपन अलग अल्टरनेटर ले बिना सप्लाई देनु पड़ सी। यदि मोटर ₹960 RPM पर घूम रही है, कत्ता पर मोटर 960 RPM पर घूम रही है, उसकी फ्रिक्वेंसी की मात्रा 50 साइकिल है, पोलों की संख्या 6 है, तो मोटर की स्लिप प्रतिशत में ज्ञात करो। अब देखो क्वेश्चन ये आया करे कि भाई वो पंखो घूम रही है कत्ता RPM पर 960 RPM पर, तो बताओ असिंक्रोनस गति है कि रोटर गति है। रोटर गति भाई घूम रही है तो कहीं रोटर ही घूम रही है, स्टेटर तो एक जगह स्थिर रहे, तो आ अपनी कहीं होगी रोटर गति होगी गति। अब अपन सिंक्रोनस गति की याद करनी है, सिंक्रोनस गति को सूत्र कहीं भी आग रहा है एफ इंटू 120 बटे वा पोल, तो 50 तो होगी फ्रिक्वेंसी 120 पोल हो गया अपने पास 6 1000। अब अपन का निकालना है स्लिप, तो 1000 माइनस 960 बटे वा 1000, तो 40 बटे वा 1000 इंटू 0000 कितनी आएगी साहब। अब ओटे कहते हैं भाई रोटर फ्रिक्वेंसी निकालो, तो क्या निकालना सा रोटर फ्रिक्वेंसी वो सूत्र याग रहा है स्लिप इंटू सप्लाई फ्रिक्वेंसी, यहाँ अपन लिख सकें fs। तो स्लिप कती है आपने 4%, लेकिन अपन इनमें स्लिप प्रतिशत में नहीं चावल, तो 4% में इधर कताओ भाग देना पड़ी 100 को, तो 0 4 × 50 200 आएगा, 2 के बाद में पॉइंट है तो कती आएगी सा। ठीक है सा, थोड़ा पढ़ लिया यार पढ़ लिया। इंटरलॉक हो जाती है तो फिर क्या करते हैं अपन, मान लो मोटर घूमे को नहीं बाकी जगह भी अगर इंटरलॉक, यदि स्टेटर और रोटर के जो खांचे हैं, क्वेश्चन नहीं आता कि स्टेटर रोटर के खांचे यदि आमने सामने आ जाते हैं तो मोटर में क्या होगा, तो मोटर इंटरलॉक हो जाएगी, और उससे बचने के लिए अपन क्या करेंगे हाथ से मोटर को घुमाएंगे। है अब माए हुए तो मैं जार घुमाने पड़ी सर, है हाँ हुआ ही को नहीं आयला का ही अगर खाचा ना तिरचा का ट्योड़ा रही, अगर स्टेटर का यहाँ ना खाचा रहे तो रोटर का यहाँ ना रहे, ये कारण होगा।
कम वोल्टेज कम ले ले करंट अपने आप कम मुझे ऊपर चला बस यहाँ तू जा ही जा रही तो क्या हो भाई हाँ मोटर रेवे थ्री पेस की भी है एक थ्री पेस की मोटर वो रिया करे नाम सुनोड़ो बोलो है एक मोटर वो रिया करे थ्री पेस की जबकि आगरा सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस मोटर याग रहा है हमेशा सिंक्रोनस गति पर ही घूमे आगरा पहलो चक्कर का ही याग रहा है किसी गति पर घूमे सिंक्रोनस बाहर जी दूसरी मोटर घूमे वह किसी गति पर घूमे रोटर गति पर लेकिन हाँ सिंक्रोनस जी होगा भाई एन बराबर एफ इंटू 120 बटे वा पोए कम लो 3000 आरपीएम आ रहा तो ये मोटर की खासियत है कि यदि थे बिजली लोड दे दो या बिना लोड पर चलाओ आप मोटर यदि 3000 पर चालनी है तो आप 3000 पर ही चाले नहीं तो 2900 पर चला सको और बोले न 3100 पर चला सको आई मोटर की कहीं याग रहा है खासियत तो याग रहा है कि सिंक्रोनस मोटर होती है वो हमेशा सिंक्रोनस गति पर ही चलती है। हाँ अब आगा इस मोटर में भी स्टेटर रहता है और रोटर रहता है इस मोटर में रोटर को तो डीसी सप्लाई देते हैं और जो स्टेटर रहता है उसको थ्री फेज एसी सप्लाई देते हैं याद रख लीजिए भैया स्टेटर ना तो थ्री फेज एसी और रोटर ना सिंगल फेज डीसी मोटर नहीं डायोड नहीं डीसी देवा डायरेक्ट ही हाँ अब इस मोटर का उपयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर अपने को स्थिर गति की आवश्यकता होती है वहाँ पर कौन सी मोटर का उपयोग करते हैं सिंक्रोनस गति है जहाँ पर स्थिर गति की आवश्यकता होती है क्या भाई मारना तो टे 1200 ही चावे तो यूँ 1200 ही मिली 1200 एक को नहीं मिल रहा अब इम कहीं व्या करें कई मोटर में इम तो दे थ्री फेज एसी सप्लाई और इम दे आप डीसी एसी सप्लाई तो ए मोटर का ही व्या करें कि जत्तियाँ की गति हुए कि भाई 3000 आरपीएम इस मोटर की गति है तो जब तक अपन 3000 पर इस मोटर को घुमा नहीं देवे तब तक ये मोटर स्टार्ट नहीं होती मतलब ये मोटर होती है जो स्वतः स्टार्ट नहीं होती है इनको किसी की सहायता से अपन स्टार्ट करते हैं इसी कारण से इस मोटर के दो तीन प्रकार बने हुए हैं पहली बात स्टेटर को थ्री फेज एसी रोटर को सिंगल फेज डीसी इस मोटर का उपयोग कहाँ पर करते हैं एक तो स्थिर गति वाले स्थान पर और दूसरा पावर फैक्टर सुधारने के लिए कटे लेवन साहब पावर फैक्टर नाम सुनो ना पावर फैक्टर सुधार वावे सिंक्रोनस मोटर और कैपेसिटर को प्रयोग लिया करा सुनिया पहली अब पावर फैक्टर ने यूँ किया सुधारिया करा यदि इसकी रोटर की जो डीसी सप्लाई देते हैं वो निर्धारित है कितनी है साहब निर्धारित गति पर यदि निर्धारित है 110 वोल्ट इसको देनी है यदि अपन 110 वोल्ट दे रहे हैं तो इसका पावर फैक्टर एक होगा ठीक है साहब यदि इस वोल्टेज को 110 से कम कर देवें तो पावर फैक्टर क्या होगा लैगिंग होगा कहने का मतलब वोल्टेज आगे चलेगी धारा पीछे चलेगी यदि 110 से अपन ज़्यादा कर देवें तो पावर फैक्टर का मान है वो लीडिंग होगा कहने का मतलब धारा आगे चलेगी और वोल्टेज पीछे कोई कह दे भाई सिंक्रोनस मोटर लगी रहे जब भी पावर फैक्टर ने सही करा तो अपन पहले जाते ही पावर फैक्टर को मीटर देखना है कि एक तो लेगिंग चल रहा है एक लीडिंग चल रहा है एक यूनिटी है क्या भाई लेगिंग चल रही हो पाँच चल रही है जरा अपन का करना पड़ी लीडिंग करनी पड़ी लीडिंग के लिए का करना पड़ी वोल्टेज ना जी बढ़ावा तो पावर फैक्टर एक हो जाए यार मान लो लीडिंग चल रही है कि एक करना है तो वोल्टेज ने का करना पड़ी कम कर देवा तो सही हो जाए
अभी मोटर का दो तीन प्रकार है, एक तो है पोनी मोटर के द्वारा, एक होती है सेलियंट सिंक्रोनस मोटर और एक होती है ऑटो सिंक्रोनस मोटर। तीन प्रकार है। पहला आता है पोनी मोटर द्वारा। देखो पोनी मोटर में काय को नहीं आग रहा है, ये मैं बार में बताऊँ कि यदि जितनी मोटर की स्पीड है जितनी पर ही बात चाले भी हूँ कंपन आप छोड़ दी तो आ चालू ही गुनू है, ठीक है अपने आप बंद हो जाए। तो आपका काय करें अगर एक स्टेटर ना तो थ्री फेज सप्लाई दे दिया करा और रोटर ना डीसी सप्लाई दे दिया करा। लेकिन पोनी मोटर का ना क्या करें कि एक डीसी मोटर ले लिया आप, ये डीसी मोटर ना काय करा घुमावा घुमावा जब रोटर भी घूमी जर काय करा आप कहे कि 3000 स्पीड है तो ये मोटर की स्पीड अति होनी चाहिए क्या 3000 ज़्यादा हो जाए, मान लो कि 3100 होगी, 3100 होते काय करा आप अटिनो डीसी सप्लाई ना इका रोटर में चालू कर दे। अब इन जी मोटर ना बंद करा जर भाई स्पीड तो कम हुई और जी बा 3000 पर आई आ मोटर अपने आप ही स्टार्ट हो जाए और कता पर घूमबा लाग जाए 3000 पर ही चालबा लाग जाए। अंतर काय कोनी है केवल इन डीसी मोटर की सहायता घुमाया करा और कती स्पीड पर घुमाया करा जितनी की स्पीड है भी ज़्यादा पर होते ही मोटर ना बंद कर दिया एक डीसी सप्लाई चालू कर दिया एसी ना नहीं करोड़े तो एसी कर दिया और जे स्पीड कम हो पाची 3000 पर आई खटको दाबते मत्ते मोटर चालू हो जैसी। दूसरी आया करे सेलियंट पोल सिंक्रोनस मोटर। सेलियंट पोल सिंक्रोनस मोटर का ही आग्रह का मान लो पोनी मोटर में तो अपन अलग डीसी मोटर लेना पड़ी और डीसी मोटर लेवा जब मोटर महंगी पड़ी दो मोटर की आवश्यकता पड़ी इसलिए आप काय करे आग्रह एक जो रोटरी आग्रह स्टेटर में तो थ्री फेज सप्लाई रहे रोटर के ऊपर जो डीसी की वाइंडिंग है जिसकी तो है और एक वाइंडिंग का सिरा पर और कर दिया करा जिन्हें किया करा डैम्पिंग वाइंडिंग नाव सुने वो कटे आ डैम्पिंग वाइंडिंग का एक काम करे कि थ्री फेज बार आप स्कूल केज इंडक्शन मोटर पड्डी भी में कहीं हुआ है कि भाई स्टेटर रहे रोटर रहे रोटर में कहीं करा रोड है ना शॉर्ट कर देवा तो इमें जो पोलों की संख्या वह इस तरकार बननू चाहे कि जो एक निर्धारित गति है ब्यू ज़्यादा गति बने कम रह जाए तो अभी स्टार्ट कुन है तो ये मोटर को खर्चो नहीं हुआ इसलिए आप कहें करा इमें स्कूल केज वाली टाइप में रोडा डाल देव रोडा डाल ये मोटर थ्री पे सप्लाई दे थ्री पे सप्लाई देते हैं कहीं जाए स्कूल केज मोटर वाली जान स्टार्ट हो जाए और स्टार्ट और जी निर्धारित गति पर पूगी आप कहें करा जो रोटर में डीसी सप्लाई दे रहा बिना चालू कर दे बिना चालू करते ही मोटर अपने आप चालू हो जाए तो इमें का ही आग्रह ऑटो सिंक्रोनस जो आप कसी पड़ रहे आप सेलियंट पोल मोटर इसमें अपन क्या करते हैं कि भाई उसके रोटर के जो भाग होते हैं उनके ऊपर डैम्पिंग वाइंडिंग के वाइंडिंग कर देते हैं और जैसे ही मोटर को स्टार्ट करेंगे तो वो किस तरह चलेगी स्कूल केज मोटर की तरह चलेगी और जैसे ही मोटर स्टार्ट हो जाएगी भाई स्कूल केज मोटर में कहीं चाहे थ्री पेज को स्टेटर चाहे रोटर में छड़ा चाहे तो स्टेटर तो ही में है ही है एक अलग आप छड़ा डाल दीजिए ना आप कह दियो भाई डैम्पिंग वाइंडिंग कर दी जी इन्हें चालू करा थ्री पेज सप्लाई दे मोटर स्कूल केज वाले जिन्हें चालू हो जाए जी निर्धारित गति ज़्यादा पर जाए इन्हें कहीं करा डीसी सप्लाई दे दे डीसी सप्लाई में जी मोटर स्टार्ट हुई तो मोटर चाल वाला एक हुआ करा ऑटो सिंक्रोनस मोटर किसी वजह इम का एक रहा करा ये रोटर वाइंडिंग में रोटर पर स्टेटर पर तो थ्री फेज रहे या रोटर पर जिया स्लिपरिंग मोटर ये अगर आपने जिया स्लिपरिंग मोटर ये अगर बी इम वाइंडिंग कर दे सुव्यवस्थित तरीका और रोटर पर कहीं करा तीन स्लिपरिंग लगा दिया तो आ मोटर का ही अगर जी आ तो स्कूल केज की जान स्टार्ट हुई आप मोटर क्यों हुई स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर की जान हुई जे मोटर निर्धारित गति पर आए आप कहें करा डीसी सप्लाई ना चालू कर दे ठीक है सर। तो ये तीन प्रकार के सिंक्रोनस मोटर कहते किसी को है मोटर जो निर्धारित गति पर चलती है ये मोटर हमेशा निर्धारित गति पर ही चलती है यदि कम ज़्यादा कर दी तो मोटर बंद हो जाएगी वापस स्टार्ट ही नहीं होगी ठीक है। स्टार्ट करने के तीन तरीके हैं एक तो पोनी मोटर द्वारा जिसमें डीसी मोटर्स की सहायता से इसको घुमाते हैं दूसरा सेलियंट पोल सिंक्रोनस मोटर जिस पे डैम्पिंग वाइंडिंग कर देते हैं तो मोटर स्कूल केज इंडक्शन की मोटर की तरह स्टार्ट होती है तीसरा ऑटो सिंक्रोनस मोटर इसमें क्या करते हैं स्लिपरिंग मोटर की तरह वाइंडिंग कर देते हैं और तीन स्लिपरिंग बाहर लगा देते हैं।
ठीक है भाई, वो मोटर पार्ट आपने जो कंप्लीट है।